आपको करंट सिचुएशन बताने के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पर आया हूँ। वो सामने आप मेरी अगर लाइन में देखें तो ये घर से लेकर वो पीछे वाला घर एक और है, फिर ये वाला एक घर है, एक ये घर है और इसी की बैक पर एक और घर है। ये घर जो है वो जमीन के ऊपर आए हैं। ये जो सामने मेरे प्लाजा बना हुआ है सारा, ये प्लाजा बीच में है, ये सारा प्रिज्म मार्केट है, पांच प्लाजों के ऊपर ये सारा प्लाजा बना हुआ है, ये बीच में आता है, वो प्लाजा है, इसका पार्शल एक पोर्शन आता है वो आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए मेन के ऊपर ना, तो अगर हम देखें तो मेन पर यहाँ पर जो ऑफिस थे, मकाओ था, मकाओ तो फिर भी पीछे, अभी उसको भी वार्निंग इन्होंने दी हुई है। इस जगह के ऊपर ये मकाओ था इनका, वो उन्होंने खाली कर दिया, ये इट्स अ पार्ट ऑफ जू। इसके अलावा जो यहाँ पर मेन के ऊपर ऑफिस थे जिसमें रिपल्स था और जो डिफरेंट ऑफिस थे वो, उसके अलावा ये गेट था जो गेट, अब ये सबसे अच्छी और खुशाइन बात तो यही है कि अभी फिलहाल यहाँ पर सीडी की कोई मशीनरी नहीं है। अगर आप मशीनें भी देखें तो ये बैरियर टाउन की अपनी मशीनरी है, जो कि सीडी को उन्होंने कहा है कि जी आप बाहर जाएं, हम जो गिराएंगे खुद हम गिराएंगे। तो इस टाइम सीडी ऑपरेशन नहीं कर रहा, बैरिया खुद ही इस जगह के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है और जितनी भी जगह जो है वो बैरिया खुद सीडी को खाली करके दे रहा है। इसके अलावा अगर हम इस साइड पर आए बिल्कुल ऑन द राइट साइड ऑफ द गेट, तो यहाँ पर गेट पे मॉल वगैरह भी एक बन रहा था, वो भी उसका ऑफिस भी जो है वो इन्होंने गिरा दिया। तो ओवरऑल सिचुएशन तो यही है। सुनने में ये आया कि जो ये घरों के रेजिडेंट्स थे जितने भी, ये कोर्ट में चले गए अब और उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर स्टे ऑर्डर्स लेंगे क्योंकि जब तक हमारी कंपनसेशन नहीं होती, बेशक वो बैरिया करे या कोई भी करे, तो हम लोग इसको खाली नहीं करते। तो रेस्ट यही सारी सिचुएशन है। सुबह से मैं देख रहा हूँ लेकिन बड़े बेदिल होके मैंने ये सारी चीज़ें आपको भेजी जो कि ये हम यहाँ पर हो रहा है। अंदर आपको ये भी दिखा दूँ कि ये जितनी भी मशीनरी है ये बैरिया की ज़ाती मशीनरी है, ये सीडीए की मशीनरी। सो बैरिया खुद इस पर काम कर रहा है। थैंक यू।